नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के प्रमुख जो है प्रतीक चिन्हों के बारे में। राजस्थान राज्य के प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में जो है इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे और आज का जो ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। राजस्थान की कोई भी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के अंदर इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। तो हम राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में, जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में अपन जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें, और अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कर दीजिए। हम बात करते हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो है प्रतीक चिन्ह जिसका नाम है राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? कई बार एग्जाम में आ चुका सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का जो राज्य वृक्ष जो है ना वो है आपके खेजड़ी। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है आपके खेजड़ी, और खेजरी जो है इसका मैंने आपको चित्र दिखाया गया है। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है खेजरी का मैंने आपको चित्र दिखाया है। खेजरी वृक्ष राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, विशेष तौर पर जो है पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत ही ज्यादा मतलब जो है पाया जाता है। हम खेजरी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खेजरी का वानस्पतिक नाम क्या है। कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम आप याद रखें प्रसोपिस सिनेरिस, इसका जो है वानस्पतिक नाम है। याद रखें खेजड़ी का जो वनस्पतिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। ये जो कहते हैं कि ये जो है वनस्पति विभाग के लेग्यूमेनेसी फैमिली का एक वृक्ष है। लेग्यूमेनेसी फैमिली का जो है एक वृक्ष माना जाता है। और खेजड़ी के बारे में दूसरी बात आप याद रखना, खेजड़ी का जो वैदिक नाम है उसको कहा जाता है समी। खेजड़ी का वैदिक नाम जो है उसको कहा जाता है समी। समी मतलब जो है वैदिक काल के अंदर जो आर्य लोग इसके पूजा करते थे और समी नाम से इसका पूजा की जाती थी। खेजरी जिसको हम कहते हैं रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हो या आप कहते हो थार का कल्प वृक्ष। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष या थार का कल्प वृक्ष पूछे तो आपको बताना खेजरी को। अब ये पूछा गया खेजरी जो है कब मतलब राज्य वृक्ष घोषित हुआ था, तो राज्य वृक्ष कब घोषित होता है, तो इसकी तारीख भी अगर आपको याद रखनी है तो याद रखें 31 अक्टूबर 1983 को खेजरी को जो है राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजरी जो है 31 अक्टूबर, याद रखना 31 अक्टूबर 1983 को है राज्य वृक्ष घोषित हुआ है। और एक चीज याद रखना, खेजरी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 12 सितंबर को खेजरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो 1978 के अंदर हो गई थी, और प्रतिवर्ष 1978 से आज तक 12 सितंबर के दिन जो है हम खेजरी जो है दिवस मनाते हैं। अब अगली जो बात पूछी गई है वो है अन्य भाषाओं में खेजरी के क्या नाम है। अन्य भाषाओं के अंदर खेजरी के नाम पूछे गए हैं, तो कौन कौन सी भाषाओं के अंदर खेजरी को किस किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खेजरी के अंदर पंजाबी भाषा के अंदर, पंजाबी भाषा के अंदर खेजरी एक नंबर याद रखना, पंजाबी और हरियाणी भाषा के अंदर खेजरी को कहा जाता है जांटी, इसको जांटी कहा जाता है। तमिल भाषा के अंदर दो नंबर याद रखना, तमिल के अंदर इसको कहते हैं पेमे, तमिल भाषा में इसको कहते हैं पेमे। तीन नंबर है कन्नड़, कन्नड़ भाषा में इसको कहा जाता है बन्ना बनी। खेजरी को तो कन्नड़ भाषा में कहा जाता है बन्ना बनी। और चार नंबर जो है वो है आपके सिंधी भाषा, सिंधी भाषा के अंदर इसको कहा जाता है छोकड़ा। तो याद रखना खेजरी वृक्ष जो है ना इसको पंजाबी और हरियाणवी में कहते हैं जांटी, तमिल के अंदर कहते हैं पेमे, कन्नड़ भाषा में कहते हैं बन्ना बनी, सिंधी में कहते हैं इसको चौकड़ा। और खेजरी का जो स्थानीय नाम है, खेजरी का जो स्थानीय नाम है उसको कहा जाता है शिमलो। खेजरी को स्थानीय लोग जो है अपने नाम के आधार पर इसको पुकारते हैं, वो कहते हैं शिमलो। कुछ मैंने आपको शब्दावली लिखे, जैसे मान लो एक शब्द है सांगरी। सांगरी क्या होता है? सांगरी मतलब वो होता है जो खेजरी के यहाँ पर ऊपर जो इनके जो फलियां लगती है गिल्ली फलियां, उसको कहा जाता है सांगरी। सांगरी जो होता है उसको, गिल्ली फलियों को सांगरी कहते हैं। एक होता है मिंजर, मिंजर होता है खेजरी के फूल। सांगरी लगने से पहले खेजरी के फलों, खेजरी के वृक्ष पर छोटे 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 मतलब जो हरे कलर के इनके फूल उगाते हैं, उन फूलों को कहते हैं मिंजर। एक होता है लूंग, खेजरी की छोटी छोटी जो पत्तियां होती है, ये आपको ग्रीन ग्रीन जो पत्तियां दिखाई दे रही है उन पत्तियों को कहा जाता है लूंग। और ये लूंग जो है ऊंटों के खाने के लिए और बकरियों के खाने के लिए बहुत ही मतलब जो है स्वादिष्ट भोजन होता है। खेजरी वृक्ष की पूजा जो है ना, ये एक चीज याद रखना भाई, खेजरी ये सांगरी होती है, एक होता है खोखा किसको कहते हैं? खोखा मतलब जो ये जो सांगरी होती है ना, ये इस पेड़ के ऊपर लगी लगी सूख जाती है,
सांगरी जब सूख जाती है तो उस सांगरी के सूख जाने पर उस सूखी हुई सांगरी जो होती है उसको कहा जाता है खोका कहा जाता है। सूखी जो सांगरी होती है उसको क्या कहा जाता है खोका कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है ना यह प्रतिवर्ष दशहर पर्वत पर्व पर किया जाता है। इस दिन हम खेजड़ी वृक्ष की क्या करते हैं पूजा करते हैं। और खेजड़ी की मतलब जो है धार्मिक मान्यता है वो ज्यादा है। गांव के अंदर कहते हैं कि लोक देवता फागू जी का जो भी थान होता है वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है खेजड़ी का फागू जी का जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे जो है इसका जो है थान होता है। और याद रखना भाई 5 जून 1988 को 60 पैसे का डाक टिकट जो है खेजड़ी के वृक्ष पर जारी हुआ था। 5 जून जिसको हम मनाते हैं पर्यावरण विश्व दिवस, याद रखना 5 जून 1988 को जो है 60 पैसे का डाक टिकट खेजड़ी के ऊपर जारी हुआ था और 5 जून के दिन ही हम पर्यावरण विश्व दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, और इसमें कहते हैं कि खेजड़ी जो होता है ना इसको सेलेस्ट्रेना एवं ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। वर्तमान के अंदर जो खेजड़ी है वो संकट के अंदर है और इसको सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोट्रोमा नामक जो कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं। 1991 के अंदर खेजड़ा जो है ऑपरेशन अभियान चलाया गया था इसको बचाने के लिए। 1991 के अंदर राजस्थान के अंदर खेजड़ा ऑपरेशन अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं खेजड़ी के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें। एक चीज याद रखना भाई इतिहास के अंदर खेजड़ी के लिए 1730 के अंदर एक जगह पड़ती है खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर, जहां पर खेजड़ली गांव जो है वहां पर एक महिला थी जिसका नाम था अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व के अंदर खेजड़ी को बचाने के लिए विश्नोई समाज के 363 लोगों ने अपना जो है बलिदान दे दिया था। इसीलिए यह जो घटना है ना ये घटना थी भाद्रपद शुक्ल दशमी और संवत विक्रमी संवत 1787 को भाद्र शुक्ल दशमी के दिन ये घटना घटित हुई थी। इसलिए भाद्र शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष खेजड़ली गांव के अंदर वृक्षों का एक मेला लगता है। ठीक है, और 1994 के अंदर पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाने लगा था। ये जो है 1994 से पर्यावरण संरक्षण हेतु अमृता देवी जो है वन्य जीव पुरस्कार भी देने की घोषणा की गई थी। और कहते हैं कि ये जो अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है ना ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो राशि है वो प्रतिवर्ष जो है 1,00,000 रुपए, वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 1,00,000 रुपए है और एक इसको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अमृता देवी वन्य जीव जो पुरस्कार है ना ये जो फर्स्ट पुरस्कार दिया गया था गंगाराम विश्नोई को जो है सबसे पहले, मतलब जो है ये अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार जो है सॉरी अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जो है दिया गया था गंगाराम विश्नोई को सबसे पहले दिया गया था। ये तो था राज्य का राज्य वृक्ष जिसका नाम था खेजड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। कई बार एग्जाम में आ चुका है सवाल राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य जो पुष्प जो है ना ये पुष्प जो है वो है आपके रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो है आपके रोहिड़ा। और रोहिड़ा का जो वानस्पतिक जो नाम है उसको बोलते हैं टिक्कोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का जो है वानस्पतिक नाम है। और ये रोहिड़ा का फूल जो होता है वो इस प्रकार का होता है, ये पुष्प जो है इस प्रकार का होता है, मैंने आपको चित्र भी बताया है। और इस रोहिड़ा के जो है आप उपनाम याद रखना, इसको कहते हैं मरुस्थल का सांगवान कहते हैं, मारवाड़ का टी कहते हैं और मरुशोभा के नाम से फेमस किया जाता है। याद रखें मरुस्थल का सांगवान अगर किसी को कहते हैं तो वो कहते हैं रोहिड़ा को, मारवाड़ का टीक ये भी किसको कहते हैं रोहिड़ा को, और मरुस्थल की शोभा बढ़ाने वाला वृक्ष कौन सा है तो वो है आपके रोहिड़ा। और रोहिड़ा को राज्य वृक्ष जो है घोषित किया गया था वो किया गया था 21 अक्टूबर 1983 को। याद रखना तारीख 21 अक्टूबर 1983 को रोहिड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी जिसको कौन सा है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है वो है आपके गोडावण। राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो है आपके गोडावण। मैंने गोडावण का आपका यहाँ पर जो है चित्र भी दे रखा है, ये गोडावण का चित्र है। और इस गोडावण को कहा जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावण का दूसरा नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिप्सेस
क्राइटिस नाइग्रिपसेस जो है इसका मतलब जो है वैज्ञानिक नाम माना जाता है। और गोडावण जो पक्षी होता है ना इसे हम सोन चिड़ी भी कहते हैं। सोन चिड़ी जो है गोडावण पक्षी को कहते हैं और ये बहुत ही शर्मिला पक्षी होता है। इसे हुना भी कहते हैं और गुरानियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। सोन चिड़ी कह दो चाहे इसको शर्मिला पक्षी कह दो या इसको हुना कह दो या फिर कह दो गुरानिया। ये जो है राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था तो याद रखना भी 1981 के अंदर गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था 1981 के अंदर। फिर हम बात करते हैं IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों प्रकाशित होने वाली लार डाटा पुस्तिका में इस गोडावण पक्षी को जो है वो शामिल किया गया। ये भी मतलब खत्म होने के कगार पर है इसलिए IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर भी इसको शामिल किया गया है। और कहते हैं कि गोडावण जो पक्षी है ना इसको हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कहा जाता है माल मोरडी। गोडावण पक्षी को हाड़ौती क्षेत्र में कहते हैं माल मोरडी। माल मोरनी के नाम से इसको फेमस किया जाता है। और गोडावण के तीन प्रमुख केंद्र माने जाते हैं राजस्थान में। एक तो माना जाता है मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर, दूसरा माना जाता है सांकलिया अजमेर के अंदर, तीसरा सोर शेर बारह। एक मरु उद्यान, दूसरा सांकलिया अजमेर और तीसरा सोर शेर बारह जो है तीन प्रमुख केंद्र जो है गोडावण के हैं। और गोडावण का जो प्रजनन केंद्र है वो है जोधपुर जंतवाले। जोधपुर जो चिड़ियाघर है ये गोडावण का प्रजनन केंद्र कहलाता है। ये कहते हैं कि गोडावण जो पक्षी है ना मूल रूप से अफ्रीका का पक्षी है, इंडिया का पक्षी नहीं है। मूल रूप से कहाँ का फेमस है, अफ्रीका का पक्षी है। और गोडावण की जो ऊंचाई है ये इसकी 4 मीटर ऊंचाई बताई गई है। गोडावण की ऊंचाई 4 मीटर बताई गई है। और आपके एनसीईआरटी जो बुक है एनसीईआरटी बुक के अंदर जो गोडावण की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर बताई गई है। 1 मीटर 1980 के अंदर गोडावण पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है राजस्थान के जयपुर शहर में आयोजित किया गया था। 1980 के अंदर गोडावण पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है जयपुर के अंदर 1980 के अंदर जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य पशु। राजस्थान के राज्य पशु के अंदर दो श्रेणी के राज्य पशु होते हैं। एक तो होता है वन्य जीव श्रेणी का पशु और एक होता है आपके पशुधन श्रेणी का पशु। वन्य जीव श्रेणी का जो पशु पूछा जाए तो वो तो है आपके चिंकारा। याद रखना भी राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का पूछे तो चिंकारा। और चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला बेनेटी। गजेला कहते हैं इसको, गजेला बेनेटी जो है वो इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका भी मैंने आपको चित्र दिखाया है। और इसे कहा जाता है छोटा हिरण। इससे बड़ा जो है हिरण होता है ये छोटा हिरण होता है जिसको मतलब जो है अपन चिंकारा कहते हैं। और चिंकारा राज्य जो है पशु घोषित हुआ था 22 मई 1981 के दिन। 22 मई 1981 को मतलब जो है कहते हैं कि चिंकारा को राज्य पशु घोषित किया गया था। और जयपुर का नारगढ़ अभ्यारण्य चिंकारा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके अलावा चिंकारा जो है ना वो सर्वाधिक जो है जोधपुर जिले के अंदर मतलब जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे जिला पूछ लें तो याद रखना दोस्तों जोधपुर के अंदर जो है चिंकारा जो पशु है वो देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं ऊंट जो है पशुधन जो है राज्य पशु ऊंट जो पशुधन श्रेणी का राज्य ऊंट जो है घोषित किया गया था जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमलेस डेमेट्रियस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मरुस्थल के दौरों के अंदर जो है आसानी से चल सकने वाला अगर कोई जीव है तो वो कौन सा है, ऊंट है। इसको राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 को जो है राज्य पशु का दर्जा दिया गया था 30 जून 2014 ये तो राज्य पशु का दर्जा मिला है। जबकि राज्य पशु घोषित कब हुआ था तो इसके दोनों में फर्क है। ये राज्य पशु का दर्जा 30 जून को दिया गया था जबकि घोषित हुआ 19 सितंबर 2014 को। और बीकानेर के अंदर इसको मतलब जो है राज्य पशु घोषित किया गया था। अब ऊंटों के बारे में कुछ अपन जो है जानकारी देखते हैं। ऊंटों की नस्लें कौन कौन सी राजस्थान में, तो ऊंटों की 7 नस्लें। एक नस्ल जो है वो तो है गोमट, दूसरी है नाचना, गोमट नाचना, तीसरा जैसलमेरी, चौथा लोरी, पांचवा है सिंधी, छठा है कच्ची, सातवां है बीकानेर। ये 7 नस्लें जो है ऊंट की मानी जाती है। और राजस्थान में ऊंटों का देवता कहते हैं अपन पाबूची को। ऊंटों का देवता पाबूची कहा जाता है। ऊंट पालक जो जाति होती है वो होती है रायका या रेपारी कहते हैं इनको, रायका या रेबारी। और ऊंट का जो श्रृंगारिक आभूषण होता है उसको कहा जाता है गोरबंद, जो गले के अंदर पहना जाता है। गोरबंद आभूषण ऊंट का श्रृंगारिक आभूषण है और ये गले के अंदर पहना जाता है। एक होती है उस्तागला। उस्तागला का मतलब होता है ऊंट की खाल के ऊपर सोने की मीनाकारी का कार्य करना, उसको कहा जाता है उस्तागला। और एक गंगा रिसाला मतलब जो है बीकानेर के महाराजा थे जिनका नाम था गंगा सिंह की जो ऊंटों की सेना थी उसको कहा जाता है गंगा रिसाला। और इन्होंने फर्स्ट वार के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर,
फर्स्ट वार में जो है अंग्रेजों की सहायता के लिए ऊंटों की सेना लेकर के चीन गए थे। याद रखना भाई, चीन जो है ये महाराजा गंगा सिंह जाते हैं। और वर्तमान के अंदर कहते हैं कि बीएसएफ सैनिकों की जो है ऊंटों की सेना मानी जाती है। बीएसएफ के सैनिकों के पास भी ऊंटों की क्या है, सेना है। याद रखना, ऊंटनी के जो दूध होता है ना, उस दूध के अंदर विटामिन सी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में होता है ऊंटनी के दूध में। और एक होता है टोल्डी, इसको बोलते हैं टोल्डी कहा जाता है। ऊंटनी का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है टोल्डी। ऊंटनी के बच्चे को क्या कहते हैं, टोल्डी कहते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य जो खेल होता है वो होता है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल जो है वो है आपके बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल का मैंने आपको ये चित्र भी दिया है, बास्केटबॉल। और ये जो है राज्य खेल जो घोषित हुआ है वो हुआ 1978 के अंदर, इसको राज्य खेल घोषित किया गया। और इसके अंदर एक टीम के अंदर कम से कम 5 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है। राजस्थान का लोक नृत्य पूछा जाए तो घूमर। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य जो है घूमर है। और राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो अगर आपसे पूछ ले तो वह है आपके केसरिया बालम। केसरिया बालम जो है राजस्थान का राज्य लोकगीत है। और इस गीत को गाने वाला जो है गाया जाता है, वो गाया जाता है मांड शैली में। गायन शैली जो होती है मांड, उसके अंदर गाया जाता है। और इसकी प्रसिद्ध मांड गायिका जो थी वो थी आपके स्वर्गीय अल्लाह जिला भाई। स्वर्गीय अल्लाह जिला भाई जो थी ना, इनको मतलब जो है मांड गायिका कहा जाता है। और इन्होंने मतलब जो है सबसे पहले जो है इसको अल्लाह जिला भाई बीकानेर की थी। और इन्होंने मतलब केसरिया बालम गीत गाया था। और राजस्थान की राज्य मिठाई अगर पूछ ले तो आपको याद रखना दोस्तों, गेवर। राजस्थान की राज्य मिठाई अगर पूछे तो वो कौन सी है, गेवर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको राजस्थान के जो है विभिन्न प्रतीक चिन्हों के बारे में अध्ययन किया जो है चर्चा की है। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके एक सवाल जरूर आएगा। और आप भी इस तरह की मतलब जो है पीपीटी, आप जो है इस तरह के जो नोट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। और वीडियो पूरा देख करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।